हैप्पी होली गाइज। और मेरा थोड़ा आवाज़ आज भी डाउन है, लेकिन आज 8 मार्च है और होली का दिन है, तो आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सब होली पूरे आनंद हर्षोल्लास और थोड़ा सुरक्षित तरीके से मनाएं और अपने प्रियजनों के साथ इस होली के पावन पर्व त्यौहार का आनंद लें। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मैं आप सभी को जो होली की जो जर्नी हमारी होती है सुबह से लेकर शाम तक की, उस पूरी जर्नी को मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के सामने शेयर करूंगा। तो जैसे जो होली जो होता है एक रंग गुलाल खेलने तक सीमित नहीं होता, इसमें बहुत सी रस्म रीति रिवाज और थोड़ी हृदंग भी होता है, थोड़ी मस्ती होती है। वो जो सारी चीज़ें हैं मैं आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। आज आपको अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, उस मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप सब मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर चुका हूँ, तो सबसे पहले हम लोग स्नान ध्यान कर लिए हैं और अब बारी है पूजा पाठ करने की, क्योंकि हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए। और होली का पहला चरण जो हम लोग का होता है कि कुल देवता को उन्हें अब गुलाल लगाते हैं, उन्हें जो प्रसाद का भोग अर्पण करते हैं और उसके बाद अपने इष्ट देवता को गुलाल अर्पित कर उन्हें भोग लगाकर पूजा पाठ किया जाता है। तो मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखा दिया हूँ कि राहवा गुरिया बाबा जो हम लोग के कुल देवता हैं उनकी मैंने पूजा कर उन्हें गुलाल अर्पित कर और उन्हें भोग लगाकर और मैं अपने इष्ट देवता जो मैं काली जी का पूजा करता हूँ उन्हें भी मैंने भोग लगा दिया है और गुलाल उन्हें भी अर्पित कर दिया उनके चरणों में। और इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने पूर्वजों के जो अंतिम स्थान है वहाँ उन्हें भी गुलाल अर्पित किया जाएगा और उन्हें भी भोग अर्पित कर गुलाल लगाकर उनसे आशीर्वाद मांगा जाएगा। और गाय ये मेरे पूर्वजन मेरे बाबा और रिया का जो अंतिम स्थान है यहाँ हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं, गुलाल और भोग उन्हें भी अर्पित कर दिया गया और होली की शुभकामनाएं देकर उनसे आशीर्वाद भी हम लोग मांगे हैं। और ये मेरे बाबा यानी कि दादाजी और रिया भोजपुर में हम लोग कहते हैं दादी जी का यहीं पर अंतिम क्रियाक्रम किया गया था और उनकी पूजा हो गई और हम लोग जा रहे हैं अब गाँव की काली माता के मंदिर में उन्हें भी पूजा पाठ करने। आज अब हम लोग आ चुके हैं ये हमारे गांव की काली माता का मंदिर है, यहाँ भी हमने गुलाल माता को अर्पित किया और भोग अर्पित कर उन्हें उनसे आशीर्वाद मांगा। और होली के शुभ अवसर पे हम लोग का ये दिनचर्या होता है क्योंकि सभी देवताओं को पूजा पाठ करके उन्हें गुलाल अर्पित कर उन्हें भोग लगा कर ही फिर हम लोग होली खेलने की शुरुआत करते हैं। तो अब चलिए अब हमारा हुड़दंग भी देख लीजिए किस तरह से हम लोग होली खेलते हैं और बच्चों की शरारतें शैतानियाँ आज किस तरह से हमारी गांव की होली होती है, गोबर माटी रंग जो जिसको मिलता है उसी से वो खेलता है। और हम लोग दो चरणों में होली खेलते हैं, पहला जो लगभग 9 से 3 बजे तक हम लोग रंगों से होली खेलते हैं और ये देख सकते हैं इस तरह की होली होती है, कुर्ता फाड़ कपड़ा फाड़ टी शर्ट फाड़ और रंगों में इतना नहला दिया जाता है कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल होता है। दूसरा चरण होता है जो 4 या 5 बजे से शुरू होता है जिसमें हम लोग गुलाल से बड़े बुजुर्गों और दोस्तों के साथ खेलते हैं, उनको विश करते हैं होली और बड़ों से होली का विश कर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो आपको मैं पहला चरण अभी दिखा देता हूँ कि इस तरह से बच्चे और लड़के गांव के हुड़दंग मचाते हुए होली खेल रहे हैं और मेरा भी हाल देखिए ये इसकी शुरुआत भर है, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। और बच्चे जो भी गाँव हम लोग केवल गाँव के लड़कों को ही के साथ होली खेलते हैं और उनका जो कपड़ा टी शर्ट फाड़ना होता है रागी लोग के साथ हम लोग कोई परेशानी नहीं करते, ना ही किसी को परेशान किया जाता है, सब गांव के बच्चे हैं एक दूसरे के साथ ही हम लोग खेलते हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं आने देते कि जिससे झगड़ा हो और किन्हीं को बुरा लगे हमारे रंगों के हमारे इस कपड़ा फाड़ होली से। तो हम लोग किसी रागी के साथ किसी तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, हम लोग खुद अपने गाँव में जो लड़ते हैं उन्हीं के साथ खेलते हैं और होली अभी जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा और लड़के इकट्ठा होते जाएंगे और जो भी बचे खुचे हैं लड़के उनके साथ अभी देखिए किस तरह से हम लोग होली खेलते हैं। और देख लीजिए एक बच्चा मिल गया, उसका क्या हश्र किया जा रहा है, होली हाँ आ चुका है हम लोग के झांसे में और जगह
इसका क्या हासिल किया जा रहा है अभी। और देख लीजिए इसका का क्या हाल हुआ। और ये बैक फायर कर रहा है। और एक और बंदा अभी रवि 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 जो कि होली का शिकार हो चुका है, गुड़दंग का शिकार हो गया है। और एक चोट ना लगे कहीं। चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए। गांव का हीरो है, उसका भी वही हाल। देख लीजिए बच्चे उसे भी। और होली के गुड़दंग से कोई नहीं अभी तक बचा है। और मनीष भी चुंगुल में फंस चुका है हमारे। और आलोक सर का भी यही हाल होता हुआ। बाबू जो कबड्डी प्लेयर हैं, अच्छे कबड्डी खेलते हैं, और वो भी आज उन्हें जाके उनके घर से बुला के सब और लड़का जिसे पकड़ के ला रहे हैं यहाँ होली के लिए। होलिया 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 यस नो 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 गाइस, इसी के साथ होली का जो ये रंग उल्लास का जो त्यौहार है वो समाप्त हो चुका है। और हम लोग जो आखिरी चरण होता है, इसमें हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, बड़े बुजुर्गों को गुलाल लगाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और यही जो इस त्यौहार की जो खूबसूरती है, जो इसकी भव्यता जो बनाती है और एकता जो हम लोगों में होती है, इसी वजह से होती है क्योंकि सारे गिले शिकवे भूल कर हर इंसान एक दूसरे को अबीर लगाकर और अपने किले से दूर करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, छोटों को आशीर्वाद देता है। और गाइस, जो मेरी दिन भर की जो जर्नी थी होली की, ये आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जिस भी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो है उसे प्रेस कर दें। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो ये होली की जर्नी जो हम लोग ग्रामीण इलाके में जो गोपालगंज जिले का जो बरौली प्रखंड की होली है वो आपको कैसी लगी। और पूरे थ्रू आउट जो आज दिन भर की जो होली में हम लोगों ने जो मस्ती की, धमाल की, और आप सबको कैसा लगा। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।